से ही मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना भी परेशान कर लें, पर ये अशोक गोवंशी एक कदम भी इधर से उधर हटने वाला नहीं है। ये अपने हक और अधिकार के लिए अपनी बड़ी से बड़ी भी नौकरी अगर होती तो उसका बलिदान कर सकता था। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुजन खबर भारत को सब्सक्राइब करें एवं उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं, जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। मित्रों, अभी मैं लाइव आने के पीछे मेरा कारण यह है कि आज मैं सुबह 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक जिला अस्पताल में परामर्शदाता के पद पर काम किया, ड्यूटी किया। इसी दौरान मुझे जिला कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ कि आपकी ड्यूटी 3 बजे से लेकर के रात के 8 बजे तक के लिए, तो इसके पश्चात मैं रात में 8 बजे तक की ड्यूटी मुझे पहले आदेश में मिली। इसके पश्चात मैं जब वो ड्यूटी कर ही रहा था, इसी दौरान मुझे करीब 5 बजे के आसपास उप जिलाध्यक्ष महोदया ने मुझे किसी व्यक्ति को अपने कर्मचारी को भेज करके मुझे अपने चैम्बर में बुलाया और वहाँ पर मुझसे पूछा कि क्या आप ये ड्यूटी को करोगे, कर लोगे क्या। मैंने कहा, उनको बताया कि मैं 3 बजे से यहाँ पर ड्यूटी में हूँ और मुझे जो ड्यूटी सौंपी गई है उस ड्यूटी की मुझे ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो उनके द्वारा मुझे ये बताया गया कि नहीं, आप लिख करके दीजिए, हम आपको यहाँ से मुक्त करते हैं ड्यूटी से, आपकी ट्रेनिंग अगर नहीं हुई है तो। मैंने उनको लिखित आवेदन दिया और लिखित आवेदन देने के पश्चात उन्होंने, वो कलेक्टर साहब की एक मीटिंग में चले गई और वहाँ से इसके बाद में उनके जो बाबू थे सेंगर जी ने कहा कि आप अपनी जहाँ ड्यूटी है वहाँ पर आप बैठिए, हम अभी आते हैं तो आपको सिग्नेचर करके आपको कार्य मुक्ति का हम आदेश देते हैं। इसके पश्चात मैं जब वहाँ पर बैठा रहा, 6 बजे के बाद में मेरे पास एक नया आदेश वहाँ पर आता है कि आपने जो आवेदन पत्र दिया था उसके हिसाब से आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई है, इसलिए आपकी ड्यूटी अब उस जगह में से हटा करके आपको की ड्यूटी कंट्रोल रूम में लगाई जाती है और ये ड्यूटी आपकी 4 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक के रहेगी। अब कुल मिलाकर के बात ये आती है कि जो व्यक्ति सुबह 8 बजे से ड्यूटी कर रहा हो तो रात के 12 बजे तक के यानी 16 घंटे की ड्यूटी किस कानून के अंतर्गत मेरी यहाँ पर कराई जा रही है? क्या यह मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं? मैंने इसकी शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग को भेज दी है और मध्य प्रदेश शासन को भी भेज दी है। कुल मिलाकर के यह है कि कलेक्टर साहब जो विगत 4 मई को जो उन्होंने यहाँ जिला अस्पताल में निरीक्षण किया था और निरीक्षण के दौरान में जो मेरे साथ में दुर्व्यवहार किया और उस दुर्व्यवहार को लेकर के जब मैंने इनकी शिकायत की और तो उस बात को लेकर के वे बौखला करके वो मेरे विरुद्ध में निरंतर दबाव बनाते रहे कि तुम इसके लिए मुझसे माफ़ी मांगो और नहीं तो तुम्हारी सेवाएं समाप्त की जाएगी। और जब मैं इनकी बातों को नहीं माना तो इन्होंने सीधे सीधे मेरे को परेशान करने की नीयत से कि ये व्यक्ति अगर मान लो निर्वाचन कार्यालय में अगर ड्यूटी नहीं करता तो इसकी सेवा वहाँ समाप्त की जा सकती है या फिर अन्य तरीके से अगर माफ़ी नहीं मांगता तो इसके, और इन्होंने भोपाल ऑफिस भी वहाँ पर फ़ोन करवाया हमारे CMHO के द्वारा और वहाँ से मेरा जो परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट बुलाई। जब उन्होंने देखा कि मेरी परफॉर्मेंस रिपोर्ट वहाँ अच्छी है तो इसके पश्चात उनको लगा कि जब मैं इस हिसाब से भी इनकी सेवा समाप्त नहीं कर पा रहा हूँ तो इन्होंने कुल मिला के परेशान करने की नीयत से इस प्रकार की आदेश एक के बाद एक आदेश मेरे विरुद्ध में इन्होंने जारी किए और दुर्भावनापूर्वक इन्होंने एक किसी पोस्ट यानी कि मेरे फेसबुक पेज पर ही कुछ पोस्टों को लेकर एक नया पत्र भी मुझे अभी कार्य के दौरान ही मुझे प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि आपके द्वारा इन पोस्टों के तहत में आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है, जो कि निश्चित रूप से स्वतंत्र भारत में ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारी नौकरी चली जाएगी ये कहीं कोई बड़ी बात नहीं है, पर बात यह है कि एक जिले का जिम्मेदार अधिकारी जिसको लोगों के साथ में न्याय करना चाहिए, वह ऐसा अधिकारी आज वो हमारी नौकरी लेने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रहा है जब चुनाव समाप्त हो गया है। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारे जिला प्रशासन के लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे अफसोस रहेगा। आज मैं कहता हूँ कि रात में 12 बजे तक के तो आपने मेरी ड्यूटी लगा दी और 12 बजे के बाद में अगर मान लो सपोज मैं यहाँ से निकलता हूँ और अकेला जाता हूँ और कोई आपके के किसी व्यक्ति के द्वारा मेरा एक्सीडेंट कर दिया जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपको तय करना पड़ेगा।
और मैं इस फेसबुक पेज के माध्यम से ही मैं कहना चाहूँगा कि आप जितना भी परेशान कर लें, पर ये अशोक गोवंशी एक कदम भी इधर से उधर हटने वाला नहीं है। ये अपने हक और अधिकार के लिए अपनी बड़ी से बड़ी भी नौकरी अगर होती तो उसका बलिदान कर सकता था। तो मैं अपनी सेवाओं का बलिदान करने के लिए बिल्कुल तत्पर हूँ, और मैं भी इसके बाद में हम अपने मानवाधिकार की लड़ाई लड़ेंगे, हम भी कोर्ट जाएंगे, हम भी निर्वाचन आयोग के सामने अपनी बात रखेंगे, सरकार के सामने बात रखेंगे। जो कांग्रेस पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम दलितों का हित कर रहे हैं, आज उसके सामने बताएंगे कि अगर आप इतने ही तेजी हो तो ये क्या हो रहा है। अरे हम कह रहे हैं, अगर मान लो आपको हमसे लड़ाई करना है, मुद्दों के आधार पर अगर लड़ाई करना है, तो आप फ्रंट में आकर के जो मुद्दे हैं उनके आधार पर आप लड़ाई कीजिए ना। आप ये परेशान करने की नीयत से आप लोग हमारे साथ में लड़ाई कर रहे हैं, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और इस ज़िले के मुखिया के लिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मित्रों, आज की ड्यूटी तो खैर मेरी रात के 12 बजे तक है, इसके बाद मैं कल अब हम लोग इसको बैठ करके तय करेंगे कि इसका कदम हमको क्या उठाना चाहिए। अब रही बात नौकरी रहे अथवा जाए, इस मामले को लेकर के हम जहाँ तक इस संविधान के दायरे में जहाँ तक हो सकेगा हम दायरे में रह करके वो सारे काम हम लोग यहाँ पर करेंगे। अभी मैं निर्वाचन आयोग जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश का पालन कर रहा हूँ। अभी मेरे पास में फ़ोन भी आया कि हमारी जो उपजिला निर्वाचन अधिकारी महोदया है, उनसे किसी बघेल साहब जो कि यहाँ के नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने बात की होगी कि भाई वो व्यक्ति सुबह से ड्यूटी कर रहा है, तब उनके द्वारा अभी कहा गया कि नहीं, उनको बोलो कि वो यहाँ से अब ड्यूटी से चले जाएँ। क्या मैं मौखिक रूप से यहाँ से चले जाऊँ ताकि यहाँ के जिला प्रशासन को ये कहने को मिले कि नहीं, ये तो बगैर बताए यहाँ से चले गया, इन्होंने निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरती। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं अभी रात के 12 बजे तक के यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। मेरी बहन, मेरी माताजी, जब मैं अभी घर नहीं पहुँचा तो वो लोग बेचारे परेशान होते हुए यहाँ पर कलेक्टर परिसर में आकर के बैठे हुए हैं। तो मुझे इस बात का अफसोस है कि हम स्वतंत्र भारत के 70 साल के बाद में ये स्थिति हमारे साथ में है। लोग कहते हैं कि नहीं, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ के लिए इतना कुछ हुआ है, आज शेड्यूल कास्ट के लोगों को इस प्रकार से अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। और जिन बातों को मैंने अपनी शिकायत जो मैंने मुख्य सचिव महोदय के समक्ष में भेजी है, उसके सारे प्रमाण मेरे पास में उपलब्ध हैं, और मैंने ये प्रमाण अपने साथियों को तक भी पहुँचा दिए हैं, जो कि अगर मान लो हम रहे ना रहे, वो प्रमाण जब भी मौका आएगा वो प्रमाण वहाँ तक के पहुँच जाएंगे। इस बात तक की हमें कोई परवाह नहीं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सभी का साथ ये बना रहेगा। धन्यवाद।